ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों, मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक बाप अपनी ही बेटी को किडनैप कर लेता है और 20 साल तक उसके साथ रेप करता है और उसके साथ ही उसे 4 बच्चों की माँ भी बना देता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। लेकिन अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलो बाकी सब छोड़ो, ये बताओ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? नहीं। तो कर दो ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि आपको मैं इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा टाइम टू टाइम। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ऑल पर सेट करना ना भूले, ओके? सो चलिए हम चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, मूवी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी वैसी मूवी पसंद है जो थोड़ा सा सेक्सी होती है, या कह सकते हैं जिनको 18 प्लस वाले लोग देखते हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपके लिए है। ये थोड़ी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो हो सके तो लेट लगा कर देखिएगा, ओके? एंड अगर आप इन चीज़ों पर इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं, ओके? सो चलते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग मोर टाइम। सो लेट गेट स्टार्टेड। मूवी जैसे ही शुरू होती है तो हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सहरा होता है। सहरा की उम्र 17 साल पार हो चुकी थी और वो कुछ ही दिनों में 18 साल की होने वाली थी। सहरा अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी, सिवाय अपने डैड के, क्योंकि सहरा का फादर एक क्रूर इंसान होता है। एक रात सहरा अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। सहरा उसी रात अपने फ्रेंडों के साथ एक पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन उसका फादर जिसका नाम डॉन होता है, डॉन सहरा को पार्टी में जाने से साफ मना कर देता है। तो सहरा गुस्से से अपनी मदर से कहती है कि आपने तो जाने के लिए बोला था। तो उसकी मदर अपने हस्बैंड की डर से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी चली जाना। सहरा अपनी मदर की बात सुनते ही बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपने फादर से बहस करने लगती है। तो उसका फादर उसे डांट देता है और सहरा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। सहरा की एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम एमी था। एमी घर पर कभी कभी आती थी क्योंकि वह बाहर जॉब करती थी। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही और रात होती है तो सहरा चुपके से घर के पीछे वाली खिड़की से बाहर निकल जाती है और अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है। लेकिन तब तक उधर सहरा के फादर को, डॉन को, पता चल जाता है कि सहरा अपने कमरे में नहीं है। तो यह सब देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है और सहरा के आने का वेट करने लगता है। उधर सहरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम को एंजॉय कर रही थी। तभी क्रिस कहता है, सहरा मैंने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखा है। इसके बाद सहरा क्रिस से सॉन्ग सुनाने को कहती है, तो क्रिस सहरा को सॉन्ग सुनाता है। इसके बाद अगली सुबह जब सहरा अपने घर वापस आती है तो उसका फादर डॉन उसे डांटने लगता है। तभी उसकी मदर एरिन वहां पर आ जाती है, जिसकी वजह से सहरा को डॉन कुछ नहीं कहता है और सहरा अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद सहरा की बड़ी बहन एमी उसके कमरे में जाती है और उससे उसकी पार्टी के बारे में पूछती है। तभी वहां पर उसकी मदर भी आ जाती है और वो तीनों बैठकर बात करने लगते हैं। सहरा अपनी बड़ी बहन और मदर से कहती है कि जैसे ही मैं 18 की हो जाऊंगी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सहरा ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके फादर का नेचर ठीक नहीं था। यह सब उसका फादर डॉन चुपके से कमरे के बाहर सुन लेता है, जिसके बाद डॉन घर की बेसमेंट में जाता है जहाँ पर एक सीक्रेट रूम होता है। इसके बाद सीन कुछ समय बाद का दिखाया जाता है। अब सहरा ग्रेजुएट हो चुकी थी। एक दिन सहरा की मदर घर से बाहर शॉपिंग के लिए चली जाती है तो सहरा और डॉन घर पर अकेले होते हैं। तभी डॉन सहरा से कहता है कि मेरे काम में मेरी मदद करो। सहरा डॉन की हेल्प करते हुए एक बॉक्स को बेसमेंट की एक सीक्रेट रूम में ले जाती है। डॉन सहरा को बताता है कि यह रूम युद्ध के समय बनाया गया था। इसके बाद डॉन सहरा को उसी सीक्रेट रूम में बंद कर देता है और बाहर से उसे लॉक कर देता है और वहां से चला जाता है। सहरा जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी जरा सी भी आवाज बाहर नहीं आती है क्योंकि उस रूम में एक भी खिड़की नहीं होती है और वह रूम पूरी तरह से वॉइस प्रूफ होता है। अब सहरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका फादर ऐसा क्यों कर रहा है। तभी सहरा को उसके द्वारा लाए गए बॉक्स को खोलती है। सहरा देखती है कि उस बॉक्स में उसकी ही जरूरतों की चीजें हैं। सहरा यह देखकर समझ जाती है कि उसके फादर ने यह प्लान पहले से ही बना रखा था। इसके बाद सहरा गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खुलता क्योंकि वह गेट पासवर्ड द्वारा लॉक किया गया था। इसके बाद सहरा बहुत रोती है। उधर सहरा की मदर सहरा को घर पर ना देख
बहुत परेशान हो जाती है और सहरा के सभी फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन सहरा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद डॉन जब नीचे बेसमेंट में जाता है तो सहरा डॉन को धक्का मारकर वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे एक और दरवाजा होता है और वो भी लॉक होता है। तभी डॉन सहरा को घसीटता हुआ उसके कमरे में दोबारा ले आता है। कहता है कि यह सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती हो। तुम यहाँ तब तक बंद रहोगी जब तक तुम रिस्पेक्ट करना सीख नहीं जाती। इसके बाद डॉन उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है, इसके साथ ही जबरदस्ती उसके साथ रेप भी करता है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। सहरा का कोई पता ना चलने पर उसकी मदर और उसकी बड़ी बहन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वो दोनों पुलिस को कॉल कर देती हैं। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है तो वह दोनों उसे सारी बात बताती है। यह सब देखकर डॉन ऐसे रिएक्ट करता है जिससे पुलिस को ये पता चल जाए कि सहरा अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट लिखकर वहां से चला जाता है। किसी तरह से यह बात सहरा के बॉयफ्रेंड को भी पता चल जाती है तो वह सहरा के घर आता है तो डॉन उससे झूठ कहता है कि सहरा अपने फ्रेंड स्टीव के साथ फ्लोरिडा भाग गई है और वह अब दोनों एक अच्छी लाइफ बिता रहे हैं। उधर सहरा को उस बेसमेंट में बंद हुए 21 दिन हो चुके थे, तब तक सहरा 18 साल की भी पूरी हो चुकी थी। तो डॉन उसके लिए केक और बर्थडे गिफ्ट लाता है जिसमें एक रेड कलर का ड्रेस होता है जिसे सहरा को पहनने के लिए डॉन मजबूर करता है। इसके बाद डॉन बर्थडे विश करके वहां से जा रहा होता है तो सहरा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह वहां पर एक वॉच लगाए। डॉन भी इसके लिए मान जाता है और वहां पर एक वॉच लगा देता है। इसके बाद डॉन वहां से चला जाता है और इसी तरह सहरा को उस बेसमेंट में 38 दिन भी बीत जाते हैं। एक दिन सहरा एक कैन के बॉक्स में खाना खा रही होती है, तभी उसे एक आइडिया आता है और वह उससे एक वेपन बना लेती है। और अगले दिन डॉन जब बेसमेंट में आता है तो सहरा उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए डॉन पर अटैक करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। इसके बाद डॉन उसे इस गलती के लिए बहुत बुरी तरह से मारता है और डॉन उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है जिससे सहरा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और सहरा को उस बेसमेंट में 1 साल से भी ज्यादा हो चुका था। साथ ही हमें यह दिखाया जाता है कि सहरा प्रेग्नेंट है। देखते ही देखते अचानक सहरा के पेट में बहुत तेज पेन होने लगता है। इसके बाद सहरा न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देती है, सहरा जिसका नाम मैरी रखती है जो कि एक लड़की होती है। डॉन यह सब देखकर खुश नहीं था और इसी तरह 4 साल भी बीत जाते हैं। उधर सहरा की मदर एरिन सहरा को याद करके रो रही होती है। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि सहरा फिर से प्रेग्नेंट है। इसके साथ ही मैरी भी अब बड़ी हो चुकी है। डॉन सहरा से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, तो सहरा उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे और मेरी बेटी मैरी को यहाँ से जाने दो। तो डॉन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से उसकी बात को इग्नोर करते हुए चला जाता है और ऊपर जाकर एमी और एरिन के साथ डिनर करने लगता है। तभी सहरा की मदर एरिन डॉन से कहती है कि हम सहरा की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लें। डॉन इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और वो डिनर टेबल से उठकर वहां से चला जाता है। इसके बाद डॉन क्रिसमस पर सहरा को टेलीविजन गिफ्ट कर रहा होता है। सहरा यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसी तरह सहरा को वहां पर रहते रहते 7 साल भी बीत जाते हैं, लेकिन सहरा की मदर एरिन अभी भी सहरा का इंतजार कर रही होती है। इसके बाद फिर से हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि सहरा का अब एक बेटा भी है जिसका नाम माइकल होता है और अब वो भी बड़ा हो चुका है। इसके साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि सहरा की बेटी मैरी को बहुत तेज बुखार है तो डॉन मैरी के लिए मेडिसिन ले आता है। इसके बाद सहरा उसे समझाती है कि मैरी को एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन डॉन वो मेडिसिन देकर सहरा की बात को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद सहरा किसी तरह से मैरी को संभाल लेती है। दूसरी तरफ सहरा का बॉयफ्रेंड क्रिस सहरा की बड़ी बहन एमी से मिलता है और एमी को बताता है कि डॉन ने मुझसे कहा था कि सहरा अपने बचपन के दोस्त के साथ फ्लोरिडा चली गई है और वह अब वहाँ बहुत खुश है, अपनी लाइफ अच्छे से बिता रही है। इसके बाद एमी उससे सारी सच्चाई बताती है और फिर कहती है शायद मेरे पिता डॉन ने ही सहरा के साथ कुछ कर दिया है। इसके बाद एमी वहाँ से घर आ जाती है
और डॉन से पूछने लगती है कि तुमने क्रिस से ऐसा क्यों कहा। यह बात सुनते ही एरिन को भी डॉन पर बहुत गुस्सा आता है। इसी चक्कर में डॉन की जेब से उस बेसमेंट की चाबी गिर जाती है। एमी चुपके से वो चाबी उठाकर बेसमेंट में जाती है और वहाँ चेक करने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर डॉन भी आ जाता है और एमी को बहुत डांटता है और एमी से बेसमेंट की चाबी ले लेता है और एमी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सायरा एक और बेबी को जन्म देती है और उसका नाम थॉमस रखती है। इसके बाद डॉन जब वहाँ आता है तो सायरा डॉन से कहती है कि अब मैं एक और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हूँ और यहाँ इतनी जगह भी तो नहीं है कि एक और बेबी यहाँ रह सके। तो डॉन उसकी यह बात मान लेता है और उसके बच्चे को ले जाकर अपने घर के बाहर रख देता है और उसमें एक लेटर भी डाल देता है जिससे यह पता चल जाए कि यह बच्चा सहरा का ही है। इसके बाद जैसे ही सहरा की मदर दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि उसके घर के बाहर एक न्यू बॉर्न बेबी रखा है। वह यह देखकर उसके पास जाती है तो वह देखती है कि बेबी के साथ एक लेटर भी है। सहरा की मदर एरिन उसे उठाकर पढ़ने लगती है। उस लेटर में यह लिखा होता है कि माँ, यह मेरा ही बच्चा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं इसे आपके पास कुछ दिनों के लिए छोड़ रही हूँ। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक होने के बाद मैं इसे वापस ले जाऊँगी। यह देखकर एरिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी कम से कम अभी जिंदा तो है। इसके बाद सहरा की मदर एरिन यह बात डॉन को बताती है और उस बेबी को गोद में उठा लेती है। तभी हमें एक और लेटर देखने को मिलता है जो कि सायरा ने अपनी मदर के लिए छोड़ा होता है, लेकिन गलती से वो लेटर डॉन को मिल जाता है। डॉन वो लेटर देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बेसमेंट में जाकर सायरा को बहुत टॉर्चर भी करता है। ऐसे ही होते करते 14 साल भी बीत जाते हैं। तभी एक दिन सायरा अपने बेटे माइकल के हेयर कट कर रही होती है। तभी मैरी मेकअप करके आती है तो डॉन उस पर भी बुरी नज़र डालता है। तभी सायरा डॉन से कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो। इसके बाद सायरा मेकअप के कपड़े डॉन को वापस करके वहाँ से जाने को कहती है। डॉन वहाँ से चला जाता है और सायरा को सबक सिखाने के लिए वहाँ की एयर विंडो को बंद कर देता है। उसी रात मेरी उदास बैठी थी। सायरा के पूछने पर वह बताती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। इसके बाद मेरी अपनी मदर से सायरा से पूछती है कि तुम डॉन को कैसे मिली। तो सायरा इस पर जवाब देती है कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ। तो मैरी कहती है यहाँ से निकलकर तुम्हें उससे डिवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि डॉन एक अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे ही करते करते 17 साल भी बीत जाते हैं। एक रात जोर की बारिश हो रही होती है। तभी अचानक बेसमेंट की छत से पानी टपकने लगता है। सायरा यह देखकर फिर से उसे एक आइडिया आता है और वह एक मेज पर चढ़कर एक स्पून की मदद से वहाँ की सीमेंट हटाने लगती है जिससे एक होल बन जाता है और वह होल घर के पीछे गार्डन को जाता है। सायरा एक टॉर्च की मदद से उस होल से सिग्नल देने लगती है ताकि शायद कोई उसकी मदद के लिए आएगा। सायरा सिग्नल दे ही रही थी तभी वहां से एक आदमी गुजरता है और वो उस लाइट को देख लेता है, लेकिन वो आदमी वहां जाकर चेक करने की बजाय घर की बेल बजाकर डॉन को बुलाता है और उसे बता देता है। इसके बाद डॉन बेसमेंट में जाकर सायरा को बहुत बुरी तरह से पीटता है जिससे सायरा बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है। इसके बाद डॉन वहां से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सायरा को ब्लीडिंग होने लगी है और सायरा एक मृत बच्चे को जन्म देती है क्योंकि मारपीट के दौरान कुछ चोटें सायरा के पेट में भी लग जाती हैं जिसकी वजह से सायरा मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद डॉन उस बच्चे को ले जाकर दफना देता है। सायरा उससे बहुत ज़्यादा तंग होकर माइकल और मेरी को सब सच सच बता देती है कि डॉन उसका क्या लगता है और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और वह ये सब कब से कर रहा है। और इसी तरह से सायरा को उस बेसमेंट में 19 साल भी बीत जाते हैं। एक दिन डॉन सायरा को परेशान कर रहा होता है तो यह देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आ जाता है और डॉन पर अटैक कर देता है जिससे डॉन को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चला जाता है और पनिशमेंट के तौर पर उस बेसमेंट की लाइट ऑफ कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉन की जॉब जा चुकी है और अब डॉन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक नहीं है। डॉन अब एक फैसला करता है कि सायरा और उसके बच्चों को जान से मार देगा। इसके बाद एक रात जब डॉन सायरा और उसके बच्चों को मारने के लिए अपनी कार की पॉल्यूटेड गैस को बेसमेंट की
एयर विंडो से प्रवेश करा रहा होता है, तभी वहां पर थॉमस आ जाता है, जिससे डॉन अपने मिशन में नाकामयाब हो जाता है। थॉमस वही बेबी था जिसे डॉन ने अपने घर के बाहर छोड़ा था। इसके साथ ही सायरा को उस बेसमेंट में 20 साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक अस्थमा की वजह से मैरी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तभी वहां पर डॉन भी आ जाता है। तो सायरा डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसकी बेटी को अस्पताल ले जाए। डॉन को मैरी की हालत देखकर तरस आ जाता है और डॉन सायरा की बात मान लेता है। इसके बाद मैरी और सायरा को लेकर जा रहा होता है, जाते जाते माइकल को उसी बेसमेंट में बंद कर जाता है। और फिर वो तीनों हॉस्पिटल पहुंचते ही मैरी को एडमिट कराते हैं। डॉक्टर तुरंत मैरी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं क्योंकि मैरी की क्रिटिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इसके बाद डॉक्टर सायरा से पेपर साइन करवाने आती है, लेकिन डॉन सायरा को डॉक्टर से कोई बात नहीं करने देता। इसके बाद सायरा मौका देखकर उसी पेपर पर पानी गिरा देती है। इसके बाद डॉन न्यू पेपर लेने चला जाता है, तभी सायरा भागकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के सीने से लग जाती है और डॉक्टर से हेल्प मांगती है, तभी वहां पर डॉन भी आ जाता है। इसके बाद वहां पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर डॉन को पकड़ लेता है। इसके बाद जब मैरी को होश आता है तो सायरा उसे बताती है कि अब वह फ्री है। इसके साथ ही माइकल को भी बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। उधर डॉन को इस घिनौनी हरकत के लिए जेल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मैरी और माइकल आपस में खेल रहे होते हैं और सायरा अपनी माँ के साथ बैठी होती है। तभी अचानक वहाँ पर सायरा का बॉयफ्रेंड क्रिस आ जाता है और सायरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। सायरा क्रिस से कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। तो क्रिस कहता है, मैं भी आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। और फिर वह दोनों राइडिंग पर चले जाते हैं। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप कि दोस्तों ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑल पर जरूर सेट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। सो तब तक के लिए।